नमस्कार दोस्तों, आप सभी के आपकी आवाज़ है। HSSC और हरियाणा सरकार का ध्यान मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्रित करना चाहता हूं। जो आपके CET के प्री एग्ज़ाम हुए थे, उससे पहले HSSC ने और चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि इन श्रेणियों की भर्तियां रद्द की जाती है, जब जिनमें जो बहुत सी भर्ती थी। इसके अंदर आप देख सकते हैं, ग्राम सचिव, पटवारी, केनाल पटवारी, कानून गो, नायब तहसीलदार, महिला सुपरवाइज़र, अकाउंट क्लर्क, इस प्रकार से ये टोटल वैकेंसी थी 9,343। और इन पद के लिए जिनकी अब एज निकल चुकी है, उनकी एज वही काउंट की जाएगी, ऐसा कहा गया था। 42 साल से अगर आप ऊपर हो चुके हैं तो इसको अंदर छूट दी जाएगी। इसी प्रकार हरियाणा पुलिस के अंदर भी जो कैंडिडेट हैं उनको भी छूट मिलनी चाहिए। तो इसके अंदर जो पहला फॉर्म भरा गया था उसमें तो छूट दे दी गई, लेकिन अब जो दोबारा अब एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं मेंस के अंदर, तो इसके अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है कि 18 से 42 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसके अंदर छूट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो फिर पहले जो प्री एग्ज़ाम हुए थे उसमें छूट का फ़ायदा क्या हुआ, जब मेंस में आप ये छूट दे ही नहीं रहे हैं? तो इस प्रकार ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हरियाणा पुलिस वाले कैंडिडेट को भी इसके अंदर छूट मिलनी चाहिए और इन कैंडिडेट को भी छूट मिलनी चाहिए। जब उस टाइम ये फॉर्म भरे गए थे, जब अगर इन कैंडिडेट की एज पूरी थी, तो अब उसको उसी एज के अनुसार इस भर्ती में, इन सभी भर्तियों के अंदर उनको अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप इसके पक्ष में हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अन्य इसी तरह की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप आवाज़ उठाना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर और व्हाट्सअप कर सकते हैं।